आज के टाइम YouTube पर पाकिस्तान का दी एंड, पाकिस्तान का फेलियर, पाकिस्तान का खात्मा जैसे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। मोस्टली इन वीडियोस में लोग दी एंड ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, विच इज फेयर इनफ बिकॉज ए पॉपुलर टॉपिक है भाई। लेकिन बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम्स का ओरिजिन इस कंट्री की बिगिनिंग में ही छिपा हुआ है। कैसे जब कंट्री को फॉर्म किया गया था तो कुछ चीजें फंडामेंटल लेवल पर इतनी गलत थी कि आज हमारे इस नेबरिंग कंट्री में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं इसी का एक डोमिनो इफेक्ट कहा जा सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट बन गया, कैसे इस फेल्ड स्टेट की फाउंडेशन इस देश की फॉर्मेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है भाई, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए भाई इस वीडियो को एंड तक देखना और आगे शेयर जरूर करना। On 14th August 1947, the last Viceroy of India, Lord Mountbatten, formally transferred power to the Constituent Assembly of Pakistan. The creation of the new state has placed a tremendous responsibility on the citizens of Pakistan. कोई कहते हैं कि हम आकर पाकिस्तान और हम एक हो जाए, मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, वो कैसे रहने दो। देखो, पाकिस्तान को बेसिकली फॉर्म किया गया था भारत के दो हिस्से करके, लेकिन कहानी इससे थोड़ा पहले चलती है। 1857 का रिवोल्ट हुआ, उसके 30 साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म किया गया था और ये पार्टी बनी थी ताकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो भी भारत के कंसर्न है उनको हम रिप्रेजेंट कर सके। और 1906 में एक और पार्टी बनी, AIML, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इसका फॉर्मेशन इस बेसिस पर हुआ कि भैया कांग्रेस में मेजोरिटी ऑफ हिंदूज लीडर है तो मुस्लिम्स के कंसर्न्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अलग पार्टी होनी चाहिए, और इसी पार्टी की वजह से आगे चलकर पाकिस्तान का क्रिएशन भी हुआ। 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने AIML ज्वाइन कर ली। लेकिन अभी भी ना AIML और कांग्रेस के रास्ते एकदम अलग अलग नहीं हुए थे। फॉर एग्जाम्पल, आप 1916 का लखनऊ पैक्ट देख सकते हैं, इसके अंडर कांग्रेस और AIML ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट साथ लड़ने की बात करते हैं, सेल्फ गवर्नेंस या डोमिनियन स्टेट की बात करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कनाडा में था। लेकिन 1930 आते आते पहली बार AIML के लीडर्स ने एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट की मांग की, और 1933 में चौधरी रहमत अली इस पाकिस्तान टर्म को क्वाइन करते हैं। अच्छा, ड्यूरिंग दिस पीरियड जिन्ना ही मेन फिगर थे जो हर जगह एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की मांग कर रहे थे। और फाइनली 1940 में वो टाइम आता है जब लाहौर रेजोल्यूशन के एनुअल सेशन में मुस्लिम लीग ऑफिशियली टू नेशन थ्योरी के तहत पाकिस्तान की डिमांड करती है। फिर 1946 में जब कैबिनेट मिशन भारत आता है एक पावर ट्रांसफर मैकेनिज्म बिल्ड करने के लिए, तो जिन्ना वापस से उसी टू नेशन थ्योरी को अपहोल्ड करते हैं और ऐसे ही एग्जिस्टेंस में आता है पाकिस्तान। और इस नए देश के फॉर्मेशन के साथ ही जहां देखो आपको वहां प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम नजर आ रही थी, और इन प्रॉब्लम्स के कुछ मेन रीजंस थे जो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। फर्स्ट रीजन था द लैक ऑफ फॉर्मेडेबल लीडरशिप। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बार कहा था कि भाई उन्होंने, उनके सेक्रेटरी ने और एक टाइपराइटर ने मिलकर पाकिस्तान को फॉर्म कर दिया है। और उस टाइम का अगर आप पाकिस्तान देखोगे तो यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो काफी हद तक ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि जिन्ना के अलावा कोई दूसरा बड़ा पॉलिटिकल नाम उस टाइम के पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा। और इनके ज्यादातर जो भी लीडर्स थे वो भारत के नॉर्दर्न पार्ट से इम्पोर्ट होके वहां पर गए थे, और इन्हें पाकिस्तान में मुजाहिर यानी इमिग्रेंट कहा जाता था। पाकिस्तान के लोग इन्हें अपना मानते ही नहीं थे, और एज अ रिजल्ट कॉमन पीपल के बीच में देश की लीडर को लेकर एक बड़ा मिस्ट्रस्ट पैदा हो चुका था। देखो, किसी भी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि उस देश की जो लीडरशिप है उसके रूट्स वहां की आम जनता से जुड़े हो, और इस न्यू बॉर्न पाकिस्तान में एग्जैक्टली इसी चीज की कमी थी। AIML कभी भी अगर आप देखो ग्रास रूट पार्टी रही नहीं है, क्योंकि मोस्टली इसे एक एलीट लोगों की पार्टी माना जाता था और पाकिस्तान की आम जनता कभी इनसे खुद को कनेक्ट ही नहीं कर पाई। मुश्किलें तब और बढ़ती चली गईं जब सितंबर 1948 में मोहम्मद अली जिन्ना की डेथ हो जाती है। देन द पाकिस्तान ट्रूली बिकेम अ फादरलेस नेशन। अगर आप भारत में देखो ना, तो उस टाइम पर ऐसा कोई अकेला लीडर नहीं था जो मिलकर सब कुछ चला रहा हो। बहुत सारे बड़े बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स थे जिन्होंने साथ में मिलकर भारत को कंसोलिडेट किया, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, इनिशियल सिस्टम्स एंड प्रोसेस को सेटअप किया। और पाकिस्तान में जिन्ना की डेथ हो जाने के बाद ये सब कुछ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका था। कंपैरिजन के लिए अगर आप देखो, भारत ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 2.5 इयर्स में लिख लिया था, लेकिन पाकिस्तान को ये करने में
9 साल लग गए थे। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखो तो पहले 11 साल में ही पाकिस्तान ने 7 पीएम देख लिए थे। भारत में आप देखो तो फर्स्ट 16 ईयर्स तक एकदम स्टेबल गवर्नमेंट चली और जवाहरलाल नेहरू ही भारत के पीएम बने रहे। अब बात करते हैं सेकंड रीजन की, फेल्ड इकोनॉमिक इनहेरिटेंस। पार्टीशन के बाद जब रिसोर्सेज को डिवाइड किया जा रहा था तो ये कहा गया भाई आरबीआई के पास जो असेट है उसे डिवाइड करेंगे। आरबीआई के पास उस टाइम पे 375 करोड़ रुपीज थे। डिसाइड हुआ कि भाई पाकिस्तान को इसमें 75 करोड़ फंड दिए जाएंगे, लेकिन भारत ने कहा कि देखो इसको टुकड़ों में देते हैं क्योंकि पता नहीं पाकिस्तान वाले इसे खर्च कैसे करें। और ये बात कहीं सही भी निकली। पहला अलॉटमेंट 20 करोड़ का हुआ था और इसके बाद आजादी के जस्ट 2 महीने के अंदर पाकिस्तान ने भारत पे ही अटैक कर दिया। इसके बाद भारत की लीडरशिप ने डिसीजन लिया कि बाकी के फंड को अभी ट्रांसफर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के खर्चे देखो, पाकिस्तान प्राइमरीली अपने फंड्स को मिलिट्री और वॉरफेयर में ही खर्च कर रहा था। उस टाइम पाकिस्तान के टोटल एक्सपेंडिचर का लगभग 65% डिफेंस में जा रहा था और इसकी वजह से देश के दूसरे सेक्टर जैसे एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब ठीक से ग्रो ही नहीं हो पाए। थर्ड रीजन था लैक ऑफ ट्रेन्ड ब्यूरोक्रेट्स। देखो किसी भी देश में पॉलिटिकल लीडर्स जनता के बीच में एक फेस होते हैं, लेकिन उसको चलाते हैं वहां के एडमिनिस्ट्रेटर्स जो कि सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और उस टाइम पर पाकिस्तान के अंदर इनकी काफी कमी थी। पाकिस्तान में उस टाइम 80 सिविल सर्वेंट्स थे जिनके साथ इस नए देश को चलाना एक बड़ा चैलेंज था। फॉर अ कंपैरिजन अगर आप भारत में देखो तो 1400 सिविल सर्वेंट्स थे। पाकिस्तान में कम सिविल सर्वेंट्स होने के पीछे मेन रीजन बताया जाता है कि भारत में लिटरेसी रेट हिंदूज के बीच उस टाइम काफी ज्यादा थी एज कंपेयर टू मुस्लिम्स। पाकिस्तान में कम सिविल सर्वेंट्स होने का मेन रीजन बताते हैं कि उस टाइम जो भारत में सिविल सर्विसेज थी वहां 82% हिंदूज थे और सिर्फ 5% मुस्लिम्स थे, जिसका मेन रीजन हो सकता है कि हिंदूज के बीच लिटरेसी रेट मुस्लिम्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा थी। तो अब आप सोच के देखो, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑलरेडी वीक था, सिविल सर्वेंट्स भी इनफ नहीं थे, तो ना पॉलिसीज बन सकती थी ना उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता था, और यहीं से पाकिस्तान के अंदर पॉलिसी पैरालिसिस भी शुरू हो गया। इसके साथ साथ पाकिस्तान को पार्टीशन के बाद अपना सारा का सारा सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ा। भारत में ऑलरेडी एक फुली फंक्शनल कैपिटल थी, रिजर्व बैंक था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, इंडस्ट्रीज थी, वहीं पाकिस्तान को अपना कैपिटल बनाना पड़ा कराची में, बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें सेटअप करनी पड़ी, और चूंकि इसके लिए अच्छे लोग वहां अवेलेबल नहीं थे तो यहां इनके सेटअप के साथ ही इनके गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में करप्शन शुरू हो गया। और इस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में और बड़ा चैलेंज ये था कि उस टाइम पाकिस्तान में हर 10 में से एक आदमी रेफ्यूजी था, तो इतनी बड़ी रेफ्यूजी पॉपुलेशन को मैनेज करना इनके लिए एक नाइटमेयर बन गया। नेक्स्ट रीजन था टू विंग्स प्रॉब्लम। देखो पाकिस्तान के पहले AIML के लीडर एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की मांग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहीं भी ईस्ट पाकिस्तान या जिसे आप आजकल बांग्लादेश कहते हो उसका नाम नहीं लिया था। लेकिन रिलीजन के बेसिस पर जब पार्टीशन हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान को भी जबरदस्ती हमसे अलग कर दिया गया। मैं जबरदस्ती इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में रिलीजन के अलावा और कोई सिमिलैरिटी थी नहीं। एथनीसिटी, लैंग्वेज, कल्चर, फूड हैबिट, पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस, ये सब कुछ ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में बिल्कुल अलग थी, और कभी इसीलिए इनके बीच में एक प्रॉपर रिश्ता बनी नहीं पाया। चीजें और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी थी क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1600 किलोमीटर की थी। इसके लिए वहां पर डायरेक्ट गवर्नेंस सेटअप करना भी बहुत मुश्किल था, और ईस्ट पाकिस्तान में उस टाइम पर फ्लड और मानसून भी चलता रहता था, इसलिए रीजन ऑलरेडी ज्यादा डेवलप्ड नहीं था और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कभी इस पर ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। और फिर इवेंचुअली 1971 में ईस्ट पाकिस्तान अलग होके बांग्लादेश बन गया। अगली प्रॉब्लम पाकिस्तान के थी इनके इंटरनल चैलेंजेस। देखो पार्टीशन के बाद ईस्ट पाकिस्तान में तो प्रॉब्लम चली रही थी, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान में जो 4 प्रोविंसेस हैं, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, इनमें से भी कुछ प्रोविंसेस में पाकिस्तान गवर्नमेंट को इंसर्जेंसीज झेलनी पड़ी। इसके पीछे मेन रीजन था कि पंजाब और सिंध रीजन को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही थी और बाकी रीजन्स को ये डर था कि इन्हें पंजाबी डोमिनेंस के अंदर रहना पड़ेगा। यानी बलूचिस्तान की तरफ अगर नजर डाले तो यहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट अनफेयर एनेक्सेशन करवा रही थी। अब बलूचिस्तान की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, इस पे चैनल पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। सिंपली आपको एक्सप्लेन करूं तो ये रीजन चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट रहे, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्हें जबरदस्ती अपने साथ जोड़ने में लगी थी। इसीलिए इस रीजन में भी पार्टीशन के बाद से ही मेजर कंफ्लिक्ट शुरू
हो चुके थे और पाकिस्तान की वीक सिविलियन गवर्नमेंट किसी भी तरह से इस हालत में नहीं थी कि इन सारे मुद्दों को पॉलिटिकली टैकल कर सके। और तभी यहाँ पर धीरे धीरे मिलिट्री ने इंटरवीन करना शुरू हुआ और इसी से रिलेटेड है हमारा अगला पॉइंट, दी ओवरपावर्ड मिलिट्री। देखो पाकिस्तान की मिलिट्री इनके देश की सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। जब से पाकिस्तान बना है तब से ऑफिशियली इस मिलिट्री ने ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टाइम पाकिस्तान को रूल किया है। स्टार्टिंग ईयर में मैंने आपको बताया देश का 65% बजट मिलिट्री के ऊपर खर्च होता था एंड एज अ रिजल्ट इनकी मिलिट्री बड़ी प्रोफेशनल लगने लगी, डिपेंडेबल लगने लगी। शुरुआत में मिलिट्री में ज्यादा करप्शन भी नहीं था, वहीं दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो जनता का ट्रस्ट जीत नहीं पा रहे थे और इसीलिए धीरे धीरे पूरे देश में मिलिट्री का इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होता चला गया। और फिर आया 1954 जब पाकिस्तान में पहली बार डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को यूज किया गया, जिसकी वजह से वहां के गवर्नर जनरल ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व किया और पावर को अपने हाथ में ले लिया। ये बोला कि ये असेंबली देश की आम जनता को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। अब ये इंसिडेंट पाकिस्तान में पहली बार हुआ था लेकिन आखिरी बार नहीं। इसके बाद अर्ली 2000s तक अगर आप देखें कई बार अलग अलग जनरल्स ने इसी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को यूज किया है और देश के पीएम्स को अपने पद से हटाया है। पाकिस्तान का कोई भी पीएम आज तक अपना पूरा 5 साल का टर्म कंप्लीट ही नहीं कर पाया, कुछ हटा दिए गए और कुछ असैसिनेट कर दिए गए। और पाकिस्तान में मिलिट्री के इस डोमिनेंस ने इस देश को लगातार सिर्फ पीछे पुश किया है। अगला रीजन है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। साल था 1977 का, जनरल जियाउल हक ने पाकिस्तान में तख्ता पलट करा और अगले ही साल ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए और इनके टेन्योर में पाकिस्तान धीरे धीरे एक रेडिकलाइज स्टेट बनने लगा था, क्योंकि ये खुद भी एक रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट थे और उनके थॉट्स और एक्शंस के जरिए वो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को ही प्रमोट कर रहे थे। और फिर 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया और इस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रही थी, तो अमेरिकन CIA ने पाकिस्तानी ISI से हाथ मिला लिया और ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से एक फोर्स तैयार की जाएगी जो अमेरिका के लिए ये लड़ाई लड़ेगी। इससे अमेरिका का फायदा था कि उन्हें कम बंदे भेजने पड़ेंगे अफगानिस्तान में और पाकिस्तानी लीडरशिप को लगा कि हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को एक जॉब मिल जाएगी। और इसके बाद इन्हें खूब आर्म्स एंड एम्युनिशन भी मिलने लगे। अब देखो पाकिस्तान ऑलरेडी रेडिकलाइज बन चुका था और सोवियत के खिलाफ इस लड़ाई को पाकिस्तान में एक रिलीजियस कलर दिया जाने लगा। फिर आता है साल 1991 जब USSR कोलैप्स कर जाता है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद जो रेडिकलाइज फोर्स थी जो सोवियत्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही थी उनकी तो एक तरह से रोजी रोटी चली गई, तो ये फुल फ्लेजेड टेररिस्ट बनने लगे और इन्हीं टेररिस्ट की वजह से पाकिस्तान पूरी दुनिया भर में टेररिज्म का एक एपिसेंटर बनता चला गया। तो ये थे वो कुछ रीजंस जिनकी वजह से पाकिस्तान कभी भी प्रॉपरली अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं हो पाया और आज भी एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से ही जूझ रहा है। अब देखो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से इकोनॉमिक डाउनफॉल आता है और इस इकोनॉमिक डाउनफॉल की वजह से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और बढ़ती है। ये एक विशियस साइकिल है जिसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान फंस चुका है। पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक हालत सुधारने के लिए चाइना और बाकी अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारा लोन ले रखा है। इनके पास दुनिया भर का $125 बिलियन का कर्जा है और आज के टाइम पर हालत काफी ज्यादा खराब है। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन ने रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं, 31.5% की इन्फ्लेशन है। लगभग सारे फ्रेंडली कंट्रीज ने हेल्प करने के बावजूद भी फॉरेक्स रिजर्व में 3-4 बिलियन से ज्यादा टिक ही नहीं पा रहे हैं। और थोड़ी सी भी अगर कुछ कसर रह गई थी तो लास्ट ईयर जून के महीने में यहाँ पर एक मैसिव फ्लड आ गई। ऑफिशियल डेटा बताता है कि इस फ्लड में 1700 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई है। ओवरऑल प्रॉपर्टी लॉस की बात करें तो $15 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान को सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर से हुआ है। और जब दुनिया भर के रिलीफ फंड्स पाकिस्तान को पहुंचाए गए तो उसमें भी यहां के लीडर्स ने करप्शन कर डाला और इसी का रिजल्ट है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इनकी रैंक गिर के 140 पे जा चुकी है। इस बात पर किसी इंटरनेशनल फोरम में इनके लीडर से सवाल पूछ लो तो बस भागते हुए नजर आते हैं। भाग तो वैसे वहां के फॉर्मर PM इमरान खान भी रहे, इनका वहां की पुलिस के साथ टॉम एंड जेरी वाला खेल चालू है। तो ओवरऑल देखो बात यह है कि एक देश जब इंटरनली और एक्सटर्नली इतना अनस्टेबल हो, देश को चलाने वाले लोग इतने ज्यादा करप्ट और पावर के भूखे हो, तो देश आगे कैसे बढ़ सकता है। और जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तान हमेशा एक रेडियो स्टेट की तरह काम करता है, कभी चाइना रिमोट पे बटन दबाता है तो कभी US, और इन सब वजह से हमें दिक्कतें झेलनी पड़ती है। इसीलिए इनके बारे में बात करना, इनको समझना और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पाकिस्तान के फेलियर को लेकर ये था हमारा वीडियो एंड आई होप आपको ये मुद्दा अच्छे से समझ में आया होगा कि भैया एंड ऑफ पाकिस्तान की जो शुरुआत थी
वो तो इनकी बिगिनिंग में ही छिपी हुई थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, कमेंट अपने थॉट्स बताओ, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस अहेड। आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।